Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.inlist and question number 3, exercise 3.3. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on bar graph. सबसे पहले आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें 6 different classes के number of students है, like 5th class में 135, 6th में 120, 7th में 95 and so on. So what you have to do is, आपको represent करना है इस data को bar graph के form में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी हमने सॉल्व करने हैं. द फर्स्ट ए पार्ट वी हैव इज हाउ वुड यू चूज अ स्केल. नाउ इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज बार ग्राफ बनाने से पहले आपको एक स्केल चूज करना पड़ेगा. स्केल का मतलब इट डजंट मीन कि आपका रूलर कौन सा होगा. स्केल मीन्स कि जैसे हम कोई भी बार ग्राफ बनाते हैं, फाइन, सो यहाँ पे जो हम डिफरेंट लेते हैं, सो वो स्केल क्या होगा, कितना डिफरेंस पे लोगे आप. Like आप चाहो तो यू कैन टेक इट 50, देन 100, 150, 50-50 कर आप ले सकते हो, और यू कैन टेक 10, 20, 30, 40. तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे. हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, दैट इज डाटा जो अगर हमारे पास है. अगर मैं यहाँ पे लू 50, देन 100, देन 150, तो ये डाटा को रिप्रेजेंट इतना क्लियरली नहीं कर पाएंगे बिकॉज 50 और 100 के बीच में 95 भी है, 90 भी है, 80 भी है ना. ऐसे ही 100 और 150 के बीच में 100, 120, 150, तो दो में ही खत्म हो गया, क्लियरली वो रिप्रेजेंट भी नहीं हो पाएगा. सो इट्स बेटर कि अगर हम 10-10 करें, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, तो उसमें सारे आराम से कवर हो जाएंगे. लाइक 95 भी है तो वो 90 और 100 के बीच में हम दिखा सकते हैं कि 95 होगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट पार्ट का तो हो गया हाउ वुड यू चूज अ स्केल. सो वी आर चूजिंग अ स्केल ऑफ 10 टू शो द ग्राफ मोर क्लियरली, फाइन. सो ग्राफ स्टार्ट करते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो स्टार्टिंग विद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. आपको देखना आपको जाना है कहां तक है. आपको 140 तक जाना पड़ेगा बिकॉज 135 भी है आपके पास. सो इसको थोड़ा सा हमें और नीचे करना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट लाइक दिस इज 140. अब हम नीचे चलते हैं 150, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, and then 50, 40, 50, 20, 10. So ये नीचे वाली लाइन और नीचे हो जाएगी बिकॉज स्टार्ट तो जीरो से ही होगा. सो दिस विल बी अराउंड समथिंग जीरो, फाइन. और यहां पे अब हम बार्स बनाएंगे. सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 30 and 140. फाइन. सो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिफ्थ क्लास से. सो हम यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे जो मैं बार बनाऊंगी वो क्लास फिफ्थ का है. सो नीचे मैंने फिफ्थ लिख दिया एंड दिस इज 135. 135, 130 और 140 के बीच में आएगा समवेयर हियर, राइट. सो आई ड्रैग अ लाइन लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. सो ये क्लास फिफ्थ का बार बन गया. नेक्स्ट वी हैव 120. 120 डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे पास यहीं पे ही है. सो इट विल बी हियर. सो ये हो जाएगी क्लास सिक्स, ठीक है. देन वी हैव सेवेंथ विच इज 95. अब 95, 90 और 100 के बीच में आएगा. सो इट विल बी समवेयर हियर लाइक दिस. सो ये हो गया क्लास सेवेंथ. Then we have class 8th which is 100 and 100 यहाँ पे है. So it is like this. This will be 8th class. Fine. When we have 9th and 90, 90 हमारे पास यहाँ पे है. So it will be like this. This is class 9th. When we have class 10th which is 80. 80 यहाँ पे है. सो लाइक दिस. दिस इज क्लास 10, फाइन. सो नीचे आप लिख सकते हो क्लास एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें मेंशन करना पड़ता है. तो ये है क्लासेस एंड दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, फाइन. सो नाउ अब यहाँ पे जो कुछ पार्ट है क्वेश्चन के वो देखते हैं. ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया है. तो फर्स्ट पार्ट इन द बी सेक्शन इज विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम. तो अब आपको बताना है किस क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स है और किस में मिनिमम. सो एक तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है, कौन सा नंबर सबसे कम है. लेकिन अब अगर आपने ग्राफ बनाया तो हम इसमें भी देख सकते हैं. सो द टॉलेस्ट वन इज, इस जितने भी ये बार्स है यहाँ पे उसमें से जो सबसे टॉलेस्ट है दैट इज फिफ्थ. सो मीन्स जो हमारा मैक्सिमम है दिस विल बी क्लास फिफ्थ. ठीक है, सो मैक्सिमम हो गया क्लास फिफ्थ एंड मिनिमम. अब आप देखो सबसे छोटा बार कौन सा है, द लास्ट वन दैट इज क्लास टेंथ. सो वी कैन राइट इट हियर, मिनिमम हो गया टेंथ क्लास. फाइन, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट. अब आपको रेशियो निकालना है सिक्स एंड एट का. तो सिक्स का कितना है स्टूडेंट्स 120 और एट क्लास का कितना है 100 स्टूडेंट्स. फाइन, सो अगर आपको इसका रेशियो निकालना है सो रेशियो कैसे निकालेंगे हम, सिक्स का निकालना है एट से. तो सिक्स हो गया 120 अपॉन एट के कितने हैं 100. सो जीरो से जीरो कैंसिल, नाउ दिस इज 12 एंड 10. सो टू के टेबल से अगर हम करेंगे तो 2 5 10 एंड 2 6 12. सो द रेशियो विल कम एज 6:5. ठीक है, सो द आंसर इज 6:5. सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ यू नो हाउ यू कैन क्रिएट अ बार ग्राफ. फाइन, सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4.